कोरबा के एक स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। गर्मी के मौसम में यहां वहां आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। कोरबा के औद्योगिक क्षेत्र खरमोरा स्थित प्रयाग स्टील फर्नीचर संस्थान में हुई आगजनी की घटना। इस आगजनी में काफी सामान जलकर खाक हो गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना हुई है। बताया गया कि इस घटना में स्टील के कूलर फर्नीचर सहित बड़ी मात्रा में यहां पर रखी सहायक सामग्री फर्नेस ऑयल वार्निश थिनर नष्ट हो गए। वहीं संस्थान की दीवार व छज्जा भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आगजनी की सूचना दिए जाने पर भारत एल्यूमिनियम कंपनी और आपदा प्रबंधन विभाग के 3 दमकल वाहन ने यहां पहुंचकर घंटों तक मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग को नियंत्रण किया जा सका। औद्योगिक संस्थान के मालिक ने बताया कि लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान इस घटना में हुआ है। 10 बजे रात्रि में सुशील कुमार सूचक द्वारा सूचना दिया गया कि प्रयाग स्टील फैक्ट्री, जहां पर कूलर एवं अलमारी का मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता है, इंडस्ट्रियल एरिया खरमोरा कोरबा में आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम भेजा गया और आग इतना अधिक था कि एक गाड़ी में कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो हमारा जो है सेकेंड गाड़ी भेजा गया। इसके अलावा जो बाल्को कंपनी का गाड़ी है उसको भी बुलाया गया और 3 गाड़ी मिल करके उस आग पर कंट्रोल पाया गया। कितने घंटे लगे उस आग पर? आग काबू पाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। क्या जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहाँ पर एक तो कूलर और अलमारी बनाने का सामान, जिसमें थिनर पैंट और खस आदि सामान था, जो कि अति जो ज्वलनशील पदार्थ था, जिसके कारण आग लगने आग तत्काल लग गया। आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन जहाँ तक हमारे जवानों द्वारा पता किया गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।